तो वो नारो लागे बोले गट ग्यांग्या सर की राय करी बेल से गाय माई की कृपा होगी ना आठई बरगट हो आई माई है बाकी 24 घंटा खड़े ही रहना हाँ 24 घंटे खड़े रहे फिर कबाद में बे आपका जीवित समाधि अठे है मांगी तो वो जीवित समाधि में अपना शरीर छोड़ दियो वो भी 400 साल से अखंड चल रहा है बाखाटी भगत तुम्हारा शीश काट के चरणों में डाला। नमसा आज आप आया गांगियासर गांव में और गांगियासर गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। आप अभी मंदिर में आया हाँ को एक चूरू अंचल में बसेड़ो गांव जगह के चमत्कार के बारे में बहुत फेमस चमत्कार हो रहा है लेकिन काफी पॉपुलर कौन रह पाया क्योंकि तो कुछ यहाँ की चीजा हुए अपनी विरासत अपनी संस्कृति में दबेड़ी है जो की पड़ी एकदम से धूमिल सी हो जावे लेकिन लोगों तक पहुँच कौन पावे। तो ई कड़ी का मैं हूँ थारे साथ बनवारी कैमरामैन विथ राहुल और थे देख रहे हो झलको चूर। आज आप झलको की रिपोर्ट में लेके आया है गांगियासर की राय माता की मंदिर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ की गांगियासर में राय माता को मंदिर है एक आप फिलहाल भी मंदिर के प्रांगण में खड़े थे मेरे पीछे जो देख पा रहे होगा वो पूरा को पूरा मंदिर को व्यू है पूरा को पूरा और एक सामने धर्मशाला भी बहुत बड़ी धर्मशाला बने रही है जबकि जी हाँ की थे देख पा रहे होगा ये धर्मशाला के मार रहनो खानो सब कुछ फ्री है और वो एक बहुत चमत्कारिक मंदिर है राय माता को जगह के बारे में एक फेमस कहावत एक फेमस लोकोक्ति है जो की प्रसिद्ध है गांगियासर की राय तू करते बड़द की गाय। तो सुनने का मैं कहानी कुछ यहाँ की सियाड़ी है कि जो बड़द बड़द बोले मारवाड़ी में अपने बड़द जो हुए जो बेल हुए भी बेल की गाय बना दी ई तरीका को बहुत बड़ो चमत्कार है माता जी को करेड़ो है। ई एक कहावत ही हर जगह फेमस है भी कलावा आज आप थाने आज चीज दिखाने की कोशिश करांगा कि मंदिर की आज की लोकोक्ति बन रही है इसके पीछे की के कुछ कहानी रही है के तरीके से मंदिर अड़े जहाँ बने और के तरीके से इतो भव्य शानदार आज जो को आप नजारो देख पा रहे ई नजारे को ई नजारे से आप रूबरू हो रहे हैं और के कितो टाइम लागो के कुछ माता जी का चमत्कार रहा के कुछ साधु महात्मा रहा के कुछ अड़े की व्यवस्था है ई तरीके से सारी चीज आप बतावांगा। तो वो मैन शाभामंड जी ने आप बोला सारा जिया की थे खुद देख पा रहे होगा मैन जो मंदिर है जड़े माता जी की मूर्तियां हैं वो पूरो को पूरो एक चांदी को बनेड़ो वो है शाभामंड टाइप से चांदी को बनेड़ो पूरो पोशाक जी है और बड़े भैया माता जी की छोटी छोटी मूर्तियां हैं और अंदर पूजा भी चल रही है पूजा जोत वगैरह से कर रहे हैं अंदर पंडित जी बैठे तो अड़े जहाँ बे राय माता है जगह के बारे में फेमस लोकोक्ति जी की आप अभी बात करी फेमस लोकोक्ति सुनिए कि गांगियासर की राय जो को कर दे बड़द की गाय जो आप लोकोक्ति फेमस सुनिए वो ही मंदिर है और वो ही धाम है जी धाम का आप एकदम जस्ट आगे खड़े अंदर पंडित जी है पुजारी जी है जो पूजा वगैरह जोत कर रहे हैं काफी श्रद्धालु भी आया है तो आप वहां से भी बातचीत करा। तो राम राम जी। राम राम सा राम राम। आपको नाम? मेरा नाम अशोक सिंह बड़गुजर है गांगियासर मेरा गांव। अच्छा पुजारी जी हो आप? नहीं 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 पुजारी तो बड़ा महाराज है मैं तो एक छोटो सा कर्मचारी या काम करा सेवा करा। तो जी आप माता माई के बारे में एक कहावत सुनी है फेमस है कि गांगियासर की राय कर दे बड़द की गाय बैल से गाय बनेड़ी है। तो आप बैल से गाय के देखो साहब मूर्तियां ने छोटी छोटी माई के प्रगट होड़ी है बुढ़िया बताया करता के 400 साल पहले प्रगट होड़ी वो नारो लागे बोले गट गांगियासर की राय करी बैल से गाय बहुत पुराणो इतिहास है मतलब मारे सेवापुरी जी महाराजा तप्या करता है। अच्छा। मारे मंड है गांव बसने से पहले भगवान शंकर को भी मंदिर है बैठे तो सेवापुरी जी का भाई गुरु आज है बैठा आपके गुरु का नहीं रहता जो को बाप बेटा में अनबन थोड़ी हो ही जाया करे जो भाई सेवापुरी जी उगा आके तप्या जो पूरे बाप को ढूंढूंगा फिर कोई यहाँ बताया करे है कि भाई इस एक साल बाद का मायने कोई चोर हाजो को कठों बेल चोर ले आया बेल चोर ले आया तो 5-6 जना गांव कार भाग्या बोलो रहा बेल ले गयो बेल ले गयो बेल ले गयो बेमड़ा भागता भागता और उरा आ गया तो भयंकर जंगल हो तो सेवापुरी जी को स्थान मतलब हो अठे दूनों दबी का मायने आग जल रही तो बोले रे वो बाबू तपुरी आपन ने भाई बचा सके और कोई आपन बचा नहीं सके पूरा आगे बाबू जी ने बोले वो राज में तो गलती कर ली और माने बचाओ नहीं है गांव का मारेगा तो बोले बचा तो लूंगा लेकिन जिंदगी में फिर कभी ऐसी शपथ ग्रहण करो कि ऐसा काम कभी नहीं करोगे बोले 7 ताड़ा की सोगन खावा मैं कदे ऐसा काम कौन करा तो बोले ठीक है हे जगत जननी माता पार्वती तू पार्वती का ही रूप है आकी मदद कर तो दोनों में भगूती ली और ले गई हूँ करो जो बैल से गाय बनगीर वह गाँव आर आके देखो तो बोले रे बैल तो आज को नहीं उड़े तो गाय है बछड़ो चूंगे तो वे सब शांत होगा क्यों तो माई की कृपा होगी ना शांत होगा और सेवापुरी जी महाराज तप्या मचोरा को वो आपको कर दियो भाई आपका गगे लेना प्यार भाई गाँव आरा भी चले गया भयंकर जंगल हो आप 500 एकड़ में जमीन बतावे है अटकेर और कंकेड़ा
और जाल ए चीजा ज्यादा है। खेरी, तो खेरी भी ये बताओ कि ये मूर्ति शुरू शुरू में निकली प्रगट हुई तो प्रगट हुई जो कौन सा स्थान हो वही स्थान हो या अलग हुई ओई आठई प्रगट हुई आई माई है। तो शुरू शुरू में जहाँ प्रगट हुई तो भी की कोई कहानियां के भाई के तरीके से निकली कोई दर्शाव हो या क्या पूजा होने लगी। तो बाबू जी ने दर्शाव हो ना सेवापुरी जी महाराज मैंने दर्शाव हो के माई प्रगट हुई है जड्डी तो बाचोरा की मदद कर दी बोले माई आने भी बचा बेचारा ने टाइम ही है टाइम की बात है ये सेवापुरी जी महाराज 35-40 साल तक खूब आराम से तपया फिर बाद में वह आपका जीवित समाधि अठे है मांगी तो वह जीवित समाधि में अपना शरीर छोड़ दियो फिर बाद में खुबकर जी बोलाकर जी भी आ तो वह के लुहागर जी का पहाड़ा में गया नहाने जो कपाने बटे लुहागर जी का पहाड़ा का मायने मान आदेश बोले भाई मारे जोजनो जिला का मायने ग्यांगिया सर गाँव का मायने मारो स्थान खाली पड़े है तो ठे बटे पधारो और बटे भी मारो ढूंढो है जो सेवापुरी जी महाराज का ढूंढा कर नठागा वह और खुबकर जी बोलाकर जी दोनों तपया हो रहे पूरे तप के बाद में फिर सोमगर जी भामू के पास का वह भी बहुत दयालु संत था वह भी आगा फिर बुधगर जी भी आया बुधगर जी तो बहुत ही तगड़ा साधु हा बहुत शीतल साधु हा भी के बाद में बुधगर जी फिर एक और आया अब मारे गद्दी के ऊपर है दसवीं गिरी महाराज है जो बालक गद्दी महाराज को स्थान सबसे बड़ो बालक गद्दी है पृथ्वीगिरी महाराज कृष्णागिरी जी बलराज गिरी जी रिद्धनाथ शंकरनाथ सूरजनाथ बलराम बाबो है जो जगह अब पूजा कर रहे हैं जगह महाराज है जगह नाथ संप्रदाय से पूजा कर रहे नहीं है गिरी है गिरी हाँ, संप्रदाय से पूजा दसवीं गिरी महाराज आका गुरु पिट्ठी गिरी जी महाराज बांको बड्डो बड़ो गुरु कृष्णागिरी जी बेबी बालक का यहाँ और बहुत दयालु संत तो अभी जिया वो मंदिर इतो बड़ो एकदम भव्य मंदिर बन रहे हाँ। तो ई मंदिर की शुरुआत जिया कौन हुई कौन इन्हें बनानो कोई राजा महाराजा का टाइम नहीं राजा महाराजा का टाइम तो वह हाईक अरे ब्राह्मण बाणिया आने वाले यात्रियों की जी की मनोकामना पूर्ण हो रहे बाणिया को सहयोग है मायने फैलावड़ो हो 30-35 साल से हो और माई की कृपा है माई सुने हैं जब भी तो आज से बड़ी बात है और आ तो जगत जननी है माता पार्वती गंगा जमुना सरस्वती को यो ही रूप है आ तो वह एकदम सत्य तो सत्य ही होगा। तो जी आपने पूरा मंदिर है कि कोई मैनेजमेंट कमेटी या कि देखभाल करना रहा या सब कुछ है कोई की? हाँ कमेटी है भी है आठ है और बाबूजी है मेन चीज तो बाबूजी है हाँ भाई है बाकी भाई लीला भाई मालिक है देखो आपा तो के हाँ या और अलग अलग टाइम दो टाइम हो बाबूजी करे आठ अच्छा पूजा भाई हाँ देखभाल सारी समाधियां की पूजा करे गाया को भी अटे है जो बाबू जी करे करवावा है सारो काम एक जी आप जोत देख पा रहे हैं तो आज जोत परमानेंट रहे 24 घंटा अखंड जोत अखंड हाँ जी अखंड वो पढ़ने ढूंढो वो भी 400 साल से अखंड चल रहा है कभी मतलब यहाँ मन्ना को नहीं लकड़ी चलती रहेगी 24 घंटा 400 साल से लगातार लगातार चेतन अब भी ढूंढे की भगवती ही चेतन है सजीवन बूटी काम कर माची सौ रुपए काम लेने की जरूरत कौन पड़ी लगातार 400 साल लगातार वो कदे पूजा को नहीं बेटा हाँ वो तो 24 घंटा चेतन ही रहे जोत आपने कितने साल से चल रही है लगातार अभी जब से माई प्रगट हुई जब से चल रही है हाँ जब से चल रही है अपने अड़ी जिया किताक जिया जात्रु बेड़ा हो जावे सुबह शाम होवे आज सोच को मेला आज सोच में मागे बड़ो मेलो भर है आज सोच में बहुत अठा लाख आदमी कट्टो जावे 7-8-9 महीने बहुत तकड़ो बेड़ो भर है ऐसे माई की कृपा हो के पूछो मत आसे पासे गांव का माई ने आसे पासे गांव में भाइयों का घना ही घर है जो वह भी आवे और वह भी मतलब खूब माई को करे प्रतियोगिता रो बता रहे के टाइप की प्रतियोगिता हो जी नाक से पहलवान आवे और मन इनामा दे जावे 1-2-3 नंबर की कुश्ती हो पीछे अखाड़ो भी बना रखे कुदरती अखाड़ो बने स्टेडियम टाइप एक साइड में टिब्बो है यहाँ जी मतलब अब भी जी कोई चमत्कार जी माता जी हो गए पहली चमत्कार हो भैबा खाती को अच्छा। पढ़ने बांको तस्वीर है भैरू जी को मंदिर है वह आपको शीश नाम दे है माता शीश काट के चढ़ाए शीश काट के चढ़ा भैबा खाती भगत तुम्हारा शीश काट के चरणों में डाला तो आरती में भी है माता जी का आज यहाँ बात थे बता रहे हो शीश काट के देना कितनी साल पुरानी बात होगी होगी मेरे ख्याल में 200-250 साल पुरानी हाँ 200-250 महाराज को तो यही कहना जी के इस मंदिर के ऊपर कोई भी भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए दयालु संत है और आईडे को चाय के पूछो और खाना खाओ अरे जो भंडारो टाइप की कोई व्यवस्था रहे भंडारा भी होवे भंडारा भी खूब होवे दूर से यात्री आए होवे अभी परसों पर लेटन भंडारो कल एक संत तपरिया नीचे कड़ी तपस्या कर रहा है पिछले 20-22 दिन से आपको भी देखी हो इंटरव्यू लियो अच्छा और बाबूजी तो मारे जी यहाँ बच्चों माँ कसे जलमन एकदम संत सीधा था
तो जी कोई दूर से आवे, दूर दराज से चाल के आवे तो भी रुकने की व्यवस्था भी? हाँ खूब है, कमरा है, धर्मशाला है अपने माता जी की है, यहाँ हम रुको, खाना खाओ, बाबू जी के रसोई चल रहे, 24 घंटा भंडारो चल रहा है पूरे बाबू जी का। बाबू जी का तो यही कहना है कि अन्नपूर्णा माता का भंडार है, यहाँ पर कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, ये दसवीं गिरी महाराज की कृपा है। जो यात्री आते हैं हरियाणा से चल के वो भी यहाँ विश्राम करते हैं, मंदिर में भी श्रद्धालु खूब रुके हैं। आज सोच में तो पग रखन की जी क्या मुन रहे, इतनी ज्यादा भीड़ बहुत भयंकर है, लाइन अटेकर दर्शन करके नीचे तक गेट तक पहुंच जाएगी। लेडीज अलग है, जेंट्स अलग है, चूरू जो जुड़े सीकर का पुलिस आ रहा, आगे भी व्यवस्था करनी पड़े, सानक मतलब सुख शांति से माई का दर्शन करो, प्रेम भाव। अभी देखता देखते हैं जी और भगत लोग आ गया तो आप आना भी पूछ ले वहाँ को के कुछ चमत्कार हो आया हो आप? रेट से आया साहब, कहीं रेंडमली आता रहो या फिर आज ही आया? बीच बीच में आता रहा, तो कहीं श्रद्धा कहीं हुई माई के प्रति थे जी, कहानी सुन के आने लग गया या फिर कोई चमत्कार? जगत जननी बड़ी चमत्कारी देवी है जी, मनोकामना पूर्ण होती है भक्त। तो थारा मतलब परिवार वाला सब लोग आवे या फिर थे अकेले? सारा ही आवे साहब, सारा आवे। मेले के टाइम में तो खूब आवे, नवरात्र का माइन तो 3 दिन मेलो चले, बिग में खूब लोग बाग आवे, बहुत ही भीड़ होवे, लाखों की संख्या में यात्री आवे। और माता जी से लंबे समय से जुड़ेड़ा, और जो महारा दादी जी है ना वे अटे गांगू का वे बताया करे कि ये बैल की गाय बनाई, और बी के पास में मीरवास के पास में एक गांव है अपने भामू का वास का एक सिद्धि संत है अपने जो बुधगिरी जी महाराज, और बुधगिरी जी महाराज इतना चमत्कारी संत था जो माई की सेवा करया करता। तो मारा दादी जी बताया कि जब भी मारे पशु बीमार हो जाया करता ना तो अटे से जो तावीज वगैरह या फिर जो ले जाया करता और वो कोई रास्ता पर बांध दिया करता, उनके बीच से पशुआन निकालता तो सारा पशु मतलब कोई बीमारी कौन लग गया। और रही बात जब लंपियर रोग आयो ना अपने तो बाकी जो तांती बना के दिए ना है जैसे कई गाय बची, यानी कोई एक डेंजर कंडीशन में ही बिकी मोदी, और काफी एक ही तांती से एक ही भी ताबीज से सारा पशु बांधने से सही हो जाता। हाँ सही हो जाता है ना, पूरा ठीक हो गया था सर। लंपी का टाइम जी महाराज है ना उनसे बनवा के लिए, अभी तो उनकी समाधि है महाराज जी। तो यहाँ देखो सोनी मेरे पापा बताया करता बोलिया बात है रही है और चमत्कार एक दो बार में भी आते रहे हूँ और आज हुकुम से। और कोई बात करें जी चमत्कार के बारे में तो जी और आपको कोई चमत्कार? बाबू जी को चमत्कार तो ऑटो ही रहे जी, मतलब कोई बाल बच्चा ने ऑटो वाले डोरो दे दियो, गाय कोई भी मार है, और अठे की परंपरा है कि आस पास जो भी गाय भी आवेगी ने पहले दही दूध उड़े ही चढ़ेगा बाद में आपके घर काम में लो बाबू जी का। हाँ ये तो विसाओ कस्बे में हमारे जय किशन पारिक जी थे जो को बताया करते थे, तो होगी कोई 20-25 साल पुरानी बातें हैं ये, तो बाबू जी अपनी धुन के अंदर आ रहे थे, साल पुरानी ज्यादा भी होगी भाई, तो देखो बात है सत्य तो सत्य ही रहेगा। तो वो अपने आ रहे थे, उस टाइम ये सड़क नहीं बनी हुई थी, कच्चा ही था ये, तो वो अपना टेम्पो लेके आए तो नया टेम्पो बोले माई का दुका लेंगा बाबू जी, हमने धीरे धीरे आपके लकड़ी से आ रहा था, बोले बाबू जी नमो नारायण, बोले नमो नारायण, बोले आज टेम्पू ने टेम्पू डाले तो बना थोड़ी यहाँ वास हो गई के वो यहाँ है, तो बोले यार तू चाल माजिश, बोले बाबू जी बोले हट चाल तू माजिश। वे 3-4 जना बैठ के माता जी का आगे आके देखा अठे बरिंडा का वो मंदिर को नहीं हो पहली बरिंडो हो अठा के बाबू जी बेटा चिलम पी रहा था, बे देख के पसीने में होगा, बोले ओ क्यों बाबू जी तो आपने पहली आगा, बोले जय हो माई की, बोले गड़ गया सर की राय करी वेले से गाय तो भक्त तो भाई। जगह कमरे का माइंड जो पिछले 21-22 दिन से जो महात्मा जी है वे खड़ा तपस्या कर रहे हैं जगह अपने सामने है, तो आप भी कमरा में आ चुका वो मंदिर के नीचे को तल घर टाइप का छोटा छोटा है मकान जो बने रहे बढ़ भी जाए तो के कुछ आंकी तपस्या के तरीके से हुए, तो राम राम महात्मा जी। राम राम जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमो नारायण मेरी तरफ से और सभी कुशल मंगल रहे। आपको नाम है? मेरा नाम है जी राम शर्मा। अच्छा तो थे कितने दिन से आ खड़े रहना जी तपस्या कर रहे हो? 21 दिन की है जी, ये कल को भंडारा है। 21 दिन की है? हाँ जी। अच्छा कल पूरी हो गया? हाँ जी 1 तारीख से खड़े हैं और कल को भंडारा है, सभी ने आना है। तो एक मजिया थारो खाने पीने को के कुछ रूटीन? बस खाना पीना का तीन चार टाइम चाय और एक टाइम दूध है जी, जब बाकी कुछ ही नहीं, पूरा बस ना सोनो ना कुछ और, बस इसी पे सोना होता है ये ड्रम पे ही, और बस खड़ा खड़ा रहना है 24 घंटे। बाकी 24 घंटा खड़े ही रहना? हाँ 24 घंटे खड़े रहे। तपस्या जो कर रहे हो इसके पीछे कोई खुद की मन्नत है? ना जी मन्नत नहीं है, बस परमात्मा जी, बस भगवान अपना हिंदुस्तान खुश रहे, और मतलब जिसकी कोई भी मन्नत हो भगवान के प्रति सभी खुश और मंगल रहे बस। अच्छा तो अड़े जहाँ थे शुरू शुरू में क्या आया जी आपने माता जी का मंदिर में? बस ये मेरे दादा गुरु जी है दसवीं गिरी जी महाराज, और मेरे गुरु जी है बालक में विनय गिरी जी महाराज। अच्छा। उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा, तो इतनी पावन धरती पे इतनी सिद्ध पीठ मंदिर में मेरे को जगह मिली, बहुत अच्छा कर्म किया। तो आप थोड़ी सी पारिवारिक बात करें तो आपने घर में कौन कौन? मम्मी और पापा है, एक भाई है जी वो जन्म से ही गूंगा है, और 2 सिस्टर उनकी शादी होगी। अच्छा सिस्टर की शादी होगी, तो मम्मी पापा का भाई रहेगा? हाँ जी, बस वो कुछ करता तो है नहीं, उसको भी नहलाना धुलाना मेरे मम्मी पापा नहीं पड़ता है। अच्छा।